हेलो गाइस, वेलकम टू किंद्रे क्लास। आज अपन देखते बेटा महाराष्ट्र बोर्ड की क्लास 12 के जो पार्ट वन में ज़्यादा एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। ओके, पिछले 2024 के पेपर में पूछे गए थे पार्ट वन के चार क्वेश्चन, परसों के पेपर में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देख लो बेटा, इसके आंसर आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। ड्यूअलिटी ऑफ द स्टेटमेंट बोल रहा है, ड्यूअलिटी मतलब आपको पता है ट्रू का फॉल्स होता है, फॉल्स का ट्रू होता है, टोटालॉजी का कॉन्ट्रडक्शन, कॉन्ट्रडक्शन का टोटालॉजी। तो सिंपल सा क्वेश्चन दिया बेटा आपको, क्या बोला गया बेटा क्वेश्चन, PRQ बोला गया। इसको अगर आपने ड्यूअलिटी अप्लाई किया, टोटालॉजी का क्या आता, कॉन्ट्रडक्शन, और का एंड, और का एंड हो गया बेटा। विच ऑप्शन बेटा दिस इज, एकदम सिंपल वाला बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, कॉस थीटा इज इक्वल कितना बोला बेटा, 1/2। कॉस 1/2 मतलब देखो बेटा ध्यान से कि कॉस 1/2 जो है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको बतानी, कॉस थीटा 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू कॉस थीटा का पता बेटा 1/2, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री पे आता। तो थीटा इज इक्वल 60 मतलब क्या लिख लेता, π/3। पहला क्लियर है, ठीक है। दूसरा देखना चाहिए कि कॉस जो है 1/2, कॉस पॉजिटिव कहाँ पर है, और एक जगह कॉस पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आता बेटा, कॉस 360 माइनस 1/2 मतलब कितना, 60 इज इक्वल्स टू 1/2। तो कॉस क्या लिख लेता है बेटा, 300 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। 300 डिग्री बोल तो रेडियन में क्या लिख लेते बेटा, 5π/3 कितना लिख लेता, 3, क्योंकि 5/3 मतलब 66 कितना, 30 मतलब 300। तो दो वैल्यू आ रहे बेटा, एक 5/3 और दूसरी 5π/3, मतलब विच ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देख लो बेटा, एक सेकेंड। दूसरा बोला एमसीक्यू, तो अल्फा बीटा आर दी डायरेक्शन एंगल बोला है, अल्फा इज 60, बीटा 45 डिग्री, गामा आपको निकालना है। तो आपको देखो बेटा फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, ओके, इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये 3D का क्वेश्चन है बेटा, वेक्टर में ही थर्ड एक्सरसाइज में मिलता है आपको। तो अल्फा आपको पता है बेटा 60 दे के रखा है और बीटा आपको दिया बेटा 45 डिग्री, तो गामा आपको निकाल के रखना है इज इक्वल कितना, 1। 60 बोले तो कितना, 1/2 का होल स्क्वायर, और कॉस 45 मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। 1/4 प्लस क्या लिख लेता, 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू कितना, 1। 2 प्लस 4 कितना, 6। 6/ क्या लिख लेता बेटा, 8, और कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। 2 3 2 4, तो कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 - 3/4, तो कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 4 - 3/4, तो कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या आती, 1/4। अगर मैंने रूट स्क्वायर हटा दिया तो क्या लगेगा बेटा, स्क्वायर हटाऊंगा तो कॉस गामा इज इक्वल टू 1/2, कौन सा 2, प्लस आर माइनस 2, तो कॉस गामा इज इक्वल टू 1/2 मतलब कब आता, गामा इज इक्वल टू 60 डिग्री, π/3, ठीक है। π/3 मतलब 60, तो आपको आंसर किस में लिखा है, डिग्री में, तो 60 एक आएगा, माइनस 1/2 बोले तो 120 डिग्री पे आएगा। तो विच ऑप्शन बेटा दिस इज, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 तो देख लो बेटा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन आर डॉट 3i प्लस 4j प्लस 12 के इज इक्वल टू 78 बोला, ठीक है ना। तो ये आर डॉट एन वेक्टर है इज इक्वल टू 78, आपको बताया बेटा लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बोलो तो ये बोलो तो कितना, 3/√ ऑफ कितना आता, 9 + 16 + 144, तो एल इज इक्वल कितना, 3/169 मतलब 3/30, और एम इज इक्वल भी वही आएगा 4/13, एन इज इक्वल भी क्या आएगा बेटा 12/13, बट डिस्टेंस बोलो तो क्या बेटा, पी इज इक्वल टू 78/13, 13 × 1 = 13, 6, तो जो डिस्टेंस निकला है बेटा आपको लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर जो है वो कितना है बेटा, 6 मतलब विच ऑप्शन बेटा, सी ऑप्शन, ठीक है। ये 12th के बच्चों के जो भी मुझे लगता है जो आपका आंसर गलत लग रहे हो वो वेरीफाई कर लेना, ये ओरिजिनल आंसर है बेटा। सेक्शन एमसीक्यू का है, 4 एमसीक्यू मैंने करवाए पार्ट 1 के, ओके, क्योंकि एक्चुअली ये 11th के बच्चों के लिए काम आएगा, इसलिए मैं आपको डबल बता रहा हूँ, अच्छे से वेरीफाई कर लेना। ये एमसीक्यू बेटा 4th क्वेश्चन, 4 एमसीक्यू है, पार्ट 1 के 4 रहेंगे, पार्ट 2 के 4 रहेंगे, ठीक है।